हेलो मेरे भाई दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज़ आई होप आप सब लोग बने होंगे। तो गाइज़ हम लीडर बोर्ड के लिए पुश कर रहे हैं वीडियो में, आप सबको पता ही है। और बीच में बहुत ज़्यादा हैकर आ रहे थे तो मैं एक दो दिन गेम नहीं खेला और बहुत ज़्यादा हैकर आ रहे थे। तो अभी स्टार्ट किया लेकिन अभी मतलब एक दो हैकर आ रहे लेकिन वो बैन हो जा रहे, तो पता नहीं क्या सीन है। मतलब बैन हो जा रहे तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो आप अभी मतलब ट्राई कर सकते हो रैंक पुशिंग के लिए। आप रैंक पुश कर रहे हो और हैकर बहुत आ रहे थे, आपने छोड़ दिया हो तो गाइज़ अभी ट्राई कर सकते हो। हैकर नहीं आ रहे लेकिन क्या पता बीच से स्टार्ट हो जाए, वो मेरे को पता नहीं है। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए तो नहीं आ रहे, तो आप मेरा करेजर देख लो। तो गाइज़ गेम में तो करेजर अच्छे लगे, रियल लाइफ में तो लौड़े लगे पड़े करेजर के। तो यहाँ पर देखो लो, यहाँ पर तो अच्छा ही हमारा। तो सॉरी गाइज, थोड़ा मतलब गाली निकल गया तो माफ़ करना। तो चलो सीधा गाइज गेम पे फोकस करते हैं। तो देखो गाइज, इस गेम प्ले में ना हमारे किले इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन चिकन निकाला होता है, वो भी हैकर लॉबी में। तो मतलब देखो, इधर मेरा तो एक ही किल निकलता है, थोड़ा गलत लेनिंग हो जाता है और मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक ही किल निकलता है, ज़्यादा किल नहीं निकलते हैं। तो अपन इधर एक किल पर खुश होना पड़ेगा हमको। तो गाइज ये बंदा एवरीवन नहीं लेके आता है, इसको पूरा नॉक आउट डाल देते हैं। अब सामने एक बंदा था जिसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन वो कवर में चला जाता है। तो फिर मैं गाइस यहाँ पे ना उसको लूट लेता हूँ, लेकिन ये लूट मेरे कुछ काम की नहीं थी, आपको आगे पता चलेगा। अब देखो गाइस, इस बंदे को मार के मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ बाहर रहने का कुछ फ़ायदा नहीं था, तो मैं अंदर जाता हूँ। और देखो तो गाइस, मैं बंदों से बचने के लिए अंदर आता हूँ और बंदा मतलब पहले से नड़कू करके रखा था और तो मेरे को यहाँ पर फोड़ देता है और हमारा यहाँ पे एक ही किल निकलता है। तो गाइस मैं इसमें थोड़े आपको टिप्स देना चाहूँगा। तो देखो गाइस, एक अपना स्ट्रैटेजी बना लो पहले, तो कि आपको उतरना कैसे है, मतलब पहले कहाँ जाना है। कुछ बंदे होते हैं ना जो पहले मतलब हॉट ड्रॉप नहीं लेते, मतलब ड्रैगन बॉल विलेज पे नहीं आते और दूसरी दूसरी जगह पे जाते हैं और फिर मर जाते हैं, तो उनका वैसे ना रिकॉल भी वेस्ट हो जाता है, मतलब उनको रिकॉल नहीं मिलता। और वो रैंडम के साथ खेलेंगे तो रैंडम तो उनको रिकॉल करने जाने नहीं वाला, तो फिर वही हुई दिक्कत होती है। अगर रिकॉल पे अगर रिकॉल करने जाओगे तो वहाँ पे मतलब कोई बंदा कैंप करके बैठा होगा तो वहाँ पे आपको मार देगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं ना। तो आपको ना ड्रैगन बॉल विलेज पे उतरो, क्योंकि आप वहाँ पे आपको ना रिकॉल मिलेगा, ऑटो रिकॉल। तो आपको किसी की वो नहीं रहेगी, गरज नहीं रहेगी कि मेरे को रिकॉल करेगा तो मैं बच जाऊँगा, तो ऐसा आपको कुछ रहेगा नहीं। तो आप यहाँ से ना इजी रिकॉल हो सकते हो अपने आप। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ड्रैगन बॉल विलेज पे उतरो, भले आप जीरो किल पे मरो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ऑटो रिकॉल मिल जाएगा ना। तो ऐसे ना थोड़ी स्ट्रैटेजी बना के खेलो, जैसे कि आपका गेम सेंस भी बढ़े। तो अपन सीधा कॉन्करेंट के लिए तो खेल नहीं रहे, आपको थोड़ा गेम सेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। कुछ बंदे होते हैं जो फ्रेम के लिए खेलते हैं, हैकर के साथ खेलते हैं, तो आपको ऐसे नहीं खेलना है, आपको थोड़ा गेम सेंस बढ़ाना है। भले आपका कॉन्करेंट ना हो, आपका गेम सेंस बढ़ेगा और आपको मतलब मैप का हर चप्पा चप्पा कोना पता चलेगा कि यहाँ पे एक कोना है, यहाँ पे एक कोना है। तो आप जैसे कॉम्पिटिटिव वगैरह खेलोगे ना तो इसमें चीज़ें ना सारी सारी काम आती है, आप काम आ जाती है। जैसे मेरी बात कर लो, मैं रैंक पुश कर रहा हूँ तो मेरे को अब पूरे इंडिया एंगल में सब पता है कि यहाँ पे क्या कवर है। तो अपन कभी भी कॉम्पिटिटिव के लिए खेलेंगे, मतलब कोई भी कस्टम वगैरह खेलेंगे तो थोड़ा इसमें ना थोड़ा याद रहेगा कि हम हाँ हम इधर कवर ले सकते हैं, इधर जोन बनेगा तो ये कवर ले सकते हैं, तो इसलिए खेलो। ऐसा नहीं कि कॉन्करेंट होएगा कि नहीं होएगा, तो आप मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो थोड़ा गेम सेंस बढ़ेगा इसलिए खेलो, कि भले कॉन्करेंट ना हो तो आपका थोड़ा गेम सेंस तो बढ़ेगा ना। तो यही बताना था। तो अपन सीधा इधर से स्कूल जाएंगे, फिर पूरा स्कूल लूट लेंगे आराम से, फिर आगे बात करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे बीजीएम रिलेटेड सारे आपको कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको गाइस ने मेरे को कमेंट करके बता दिया करो कि आपको किस टॉपिक के वीडियो चाहिए, तो उस पर ना अपन काम कर सके। आप भी देख के चले जाते हो, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। तो आप मेरे को बता दिया करो कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो कि मैं ना उस पर थोड़ा काम कर सकूँ। तो कमेंट कर देना। और हाँ, अपन इधर लूट लेते आराम से, फिर आगे का प्लान देखते कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जोन बनता है। और हाँ गाइस, इसमें चिकन होता है जो कि मैंने आपको पहले से बताया, और इसमें किल बहुत कम थे लेकिन चिकन निकालते हैं। देखो हमने कैसे चिकन निकाला, तो ये हम पूरा लूट लेते इधर। फिर ना गाइस, हम लूट करके ना रोजोक आते हैं और यहाँ पे मेरे टीममेट को एक बंदा नॉक कर देता। तो गाइस ये स्प्रे देखो, अगर आपको स्प्रे अच्छा लगे तो आप मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे कंजूसी मत करो। तुम्हारा भाई भी अच्छा ही खेलता है, कोई नूब नहीं है, मतलब हाँ थोड़े होंगे लेकिन वो अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। तो स्प्रे देखो आप। तो गाइस कैसा लगा आपको स्प्रे? कोई बंदा बोलेगा कि हैकर है, मैंने मतलब मेरे को बंदा दिखा नहीं, सिर्फ मेरे टीममेट ने मारा, वहाँ पे मेरे को मार कर और मैंने उसको नॉक कर दिया। तो अब मेरा टीममेट नॉक था तो मेरे को उसको रिवाइव देना था। और गाइस इन पे अपन पुश नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो दो बंदे थे और हम भी दो थे, लेकिन अपन पुश नहीं करेंगे क्योंकि बंदे अभी 40 साल भी थे और पता नहीं वो कहाँ पर कैंप कर रहे होंगे। तो अपन इधर पुश नहीं करेंगे, मैंने उनको नॉक कर दिया, फिर अपन इधर से वो उनका रास्ता चुन लेते हैं, हम हमारा रास्ता चुन लेते हैं। देखो गाइस, लेजिट बंदे होते ना वैसे ही होते, मतलब नॉक करके सब पुश नहीं करेंगे। मतलब कुछ होते बंदे जो पुश कर देते रैंक पुश लॉबी में, मतलब अंदर तुम घुसेंगे वो हैकर ही होते हैं, मतलब ESP VSP लगा रखा होता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस में मतलब पूरा कॉन्फिडेंस में आते हैं गाइस, और आपका पोजीशन सब पता रहेगा उनको। मतलब आते से नॉक मतलब
तो आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे नेट वॉलिंग करना स्टार्ट कर देंगे भाई, आप बिना फुट स्टेप देके बैठे होंगे फिर भी। तो गाइस वो चूतिया ने दो लोगों ने भोसड़ी वालों से गाली दो, मैं तो बोलता हूँ वो मतलब पूरे मैच के मार चुत देते, मेरा बहुत माइनस किया। तो सॉरी गाइस, हेडफोन लगा रहे अपन थोड़ा टॉक्सिक भी हो जा रहे हैं, तो माफ़ कर देना उसके लिए, क्योंकि गाइस मैंने बहुत माइनस किया। आपने खाया होगा तो आपको भी मतलब गाली निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगा, तो आप भी समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स। तो यहाँ से ना वो बंदे निकल जाते हैं, तो फिर हम भी निकल जाएंगे इधर से। अब कुछ फ़ायदा नहीं था, मैंने अपने टीममेट को मतलब रिवाइव कर दिया था, उन्होंने नॉक डाला था। तो अब देखो गाइस रैंक पुशन ना ऐसे ही होते हैं, मतलब वो फाइट को इग्नोर ही करते हैं, और जो हैकर होते हैं ना वो भैन चुदाते हैं और फाइट लेने की सोचते हैं, मतलब आपको नॉक फिनिश डाल देंगे। उनको कुछ फाइट घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बंदा कैसे पुश कर रहा है, उनको तो सब यही है कि हमको लीडर बोर्ड पुश करना है हैक लगा के और बंदों की माननी है, लेकिन उनका गेम से कुछ घंटा नहीं बढ़ेगा। तो आप मतलब आप हैकर के साथ मत खेलना, जैसे मैं मतलब लेजिट रैंक पुश करो आप ही लेजिट पुश करना। आप अगर हैकर के साथ खेलोगे तो आपकी कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बढ़ेगी, मतलब आपका गेम सेंस कुछ गेम नॉलेज कुछ नहीं बढ़ेगा, तो आप फिर कॉम्पिटिटिव वगैरह मतलब मैंने आपको बताया ना तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप बिना हैकर के खेलो गाइस, बिना हैक करके और हैकर के साथ भी मत खेलो, तो ये बताना था। तो और वो बंदे यहाँ से निकल जाते हैं तो हम भी निकल जाएंगे। अब देखो गाइस हमें यहाँ से रोटेशन दे रहे थे और यहाँ पे दो बंदे आते जो मेरे टीममेट को मारते हैं मतलब नॉक करते हैं, तो तुम्हारा भाई पूरा गुस्से में आ जाता है। फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, तो गाइस फाइनली क्या मारा तुम्हारा भाई ने डीबीएस। अगर आपने डीबीएस का क्लच देख के सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या किया, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और क्या मारा तुम्हारा भाई ने तो ओपी दिख लेना कमेंट में अगर आपको पार्ट अच्छा लगा हो। तो गाइस मेरा टीममेट बोल रहा था कि डीबीएस उठा ले बहुत अच्छी चलती है, तो मैं मना कर रहा था लेकिन फिर भी हमने उठा ली, और अभी देखो उस डीबीएस का फ़ायदा किया। तो गाइस डीबीएस ना अच्छी चलती है वैसे, आप मतलब चला सकते हो, अगर चला नहीं आती है तो नहीं आती फिर भी उठा लो गाइस, आपको एक दिन मतलब प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो फिर आप अच्छे से चला सकते हो। तो हमको ना पीछे से पड़ते लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अपन कवर में थे तो इजी लूट के निकल जाएंगे स्मोक करके, तो अपन लूट लेते हैं आराम से पहले। तो अब देखो गाइस उस बंदों से ना फाइल लेने का कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमको जोन में जाना था और पीछे से पूरा ओपन में था, तो कोई बंदा पीछे आता तो हमको इजी नॉक फिनिश डाल सकता था। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं स्मोक करके गाड़ी उठा के। तो देखो गाइस अपन इधर बाहर आओ होल्ड करते जब तक जॉन ना कटे, और 30 बंदे अलग थे, तो हमको गाइस ऐसे भी करके चिकन मतलब अच्छा गेम निकालना था क्योंकि बहुत माइनस खा लेता, तो हमको ना इधर से इजी गेम निकालना था, मतलब अच्छा सा गेम निकालना था प्लस वाला। तो अपन इधर होल्ड करते फिर जोन में जाएंगे, जैसे जॉन कटेगा वैसे अपन जोन में एंट्री मारेंगे। तो इधर थोड़ा होल्ड करते अपन। अब देखो गाइस वहाँ से ना जोन पूरा क्वेरी के पास कटता है, तो अपन इधर आ जाते क्वेरी के पास ये छोटे घरों पर, तो यहाँ से देखते कैसे गेम निकालना है हमको। अब देखो गाइस मैं जोन देख रहा था तभी यहाँ पे बंदे आते पीछे से, अब देखो गाइस एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया, अब दूसरा बंदा कहाँ था मेरे को पता नहीं था, तो मैं ऐसे लेट के मार रहा था मतलब अंधा मारा था, मेरे को भी पता नहीं था कि वो बंदा कहाँ पे था, मैंने भी ऐसे डीबीएस चला ली थी, तो उसको ना मेरा टीममेट मार देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी हमारे लिए, हमने वहाँ पर विजी 2v2 जीत लिया। अब जोन आगे कटा था तो हमको जोन में भी जाना था, तो देखो हम कैसे जोन में जाते हैं, उड़ के जाएंगे ऐसे मतलब पैदल तो नहीं जाने वाले ऐसे यहाँ से। अब देखो गाइस हम उड़ के इधर आते हैं और यहाँ पे एक बंदा था, तो मतलब मैं हमसे फाइल लेने आया था लेकिन मैंने जैसे डीबीएस चलाई तो उसके आवाज सुन के बंदा भाग गया ऐसा अच्छे यहाँ से, तो मैंने डाला था लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि बंदा पीछे भाग गया होता है, तो मैं अभी आगे जाता हूँ यहाँ से, मतलब यहाँ तो मैं साफ बना था। अब देखो यहाँ पे अब देखो गाइस उस बंदे को ना मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था और उसका फिर मेरा टीममेट चोरी कर लेता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमारा चिकन डिनर हो जाता है। तो गाइस आपको कैसा लगा ये चिकन डिनर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ गाइस करके जाना है कमेंट भी कर देना अच्छा सा। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू कमाल की गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।